अरसों बाद जाग उठा कांग्रेस का खूंखार बब्बर शेर, भाजपा में मचा बवाल। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को कहा कि वह पंजाब के हितों के लिए लड़ना जारी रखेंगे। कांग्रेस नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि कुछ दिनों पहले ही एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बाकी विधायक पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। सिद्धू ने एक बैठक के बाद समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, मैं पंजाब के हितों के लिए लड़ना जारी रखूंगा। आज हुई बैठक के दौरान हमने पार्टी विधायकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को देखने के लिए टीम सिद्धू का गठन किया है। मैंने इस बैठक में राज्य के बागी विधायकों से भी मुलाकात की। समराला में पूर्व विधायक अमरीक सिंह ढिल्लों के घर पहुंचे सिद्धू ने आरोप लगाया कि किसानों की गेहूं की फसल 2000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वही गेहूं 3500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेची जा रही है। ढिल्लों ने कहा, सरकार को चाहिए कि वह किसानों को कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल का मुनाफा दे। अगर यह पैसा नहीं दिया जाता है तो किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए राज्य की सीमाएं खोल दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि पंजाब में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के समराला से 4 बार के विधायक अमरीक सिंह ढिल्लों ने टिकट से वंचित होने के बाद निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। विधानसभा चुनावों में पार्टी को बड़ा झटका लगा है और वह सिर्फ 18 सीट पर सिमट गई है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्यीय विधानसभा में से 92 सीट पर जीत हासिल की। नवजोत सिद्धू को अमृतसर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें आपकी जीवन ज्योत कौर ने शिकस्त दी थी।